नमस्कार व्यूअर्स, आज बात करते हैं ठेकेदार बनने के लिए आवश्यक गुणों की। काफी लोगों के बच्चों के ऐसे सवाल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ठेकेदार बनने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है। तो आइए वो 7 गुण बताता हूं मैं जो ठेकेदार बनने के लिए आप में जरूरी होते हैं। पहला गुण होता है कि ठेकेदार बनने के लिए व्यक्ति के अंदर टेक्निकल क्षमता होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप ठेकेदारी करते हैं उसके बारे में आपको टेक्निकली पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, ठेकेदार के अंदर संबंधित काम को करने की क्षमता होनी चाहिए, आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस काम को आप कर सको। यदि आप नहीं कर सको तो आप ठेकेदार नहीं बन सकते। और तीसरी बात आती है कि दूसरों की पहचान करनी आनी चाहिए आपको। जब तक आप लोगों की पहचान नहीं करना जानते, एक दिन में एक ठेकेदार को सैकड़ों आदमियों से काम पड़ता है और सैकड़ों आदमियों की अपने आईक्यू के द्वारा उसको पहचान करनी होती है कि ये आदमी कितना सही बोल रहा है, कितना गलत है, कितना इसको काम करने का तरीका आ रहा है। ये सारी बातें आदमी की पहचान करने में ठेकेदार को जानकारी होनी चाहिए। चौथी बात आती है कि एक ठेकेदार के अंदर बजट और समय सीमा के मुताबिक काम करने का गुण होना चाहिए। कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं, काम तो कर देते हैं मगर वो विद इन बजट नहीं करते हैं। कितना कितना का फंड मिला है आपको, कितने बजट के अंदर काम करना है, या तो वो एक्सेस कर देते हैं या फिर एक्स्ट्रा कर देते हैं। एक्सेस और एक्स्ट्रा का पेमेंट भी डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से करना होता है। यदि आपने 10% एक्सेस कर दिया तो वहां तक, मगर एक्सेस के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और 10% एक्स्ट्रा कर दिया तो भी परमिशन लेनी पड़ती है, और यदि इससे ज्यादा आपने एक्सेस एक्स्ट्रा कर दिया तो डेविएशन स्टेटमेंट बना करके पहले अप्रूव करवाना पड़ता है। कुछ ठेकेदार लोग क्या करते हैं, तुरंत ही अपना वो काम कर दिया और फिर डेविएशन स्टेटमेंट बनाना ही अधिकारी कहते थे किसको पूछ के किया था। तो इस तरह की कई समस्याएं आती हैं, ये गुण भी आप में होना चाहिए। और पांचवा गुण होना चाहिए आप में कि निर्माण और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। निर्माण करते समय कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करते हैं उस समय उस कंस्ट्रक्शन से संबंधित सुरक्षा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, आपके आपकी खुद की स्वास्थ्य सुरक्षा करना आपको आना चाहिए। आपके कर्मचारी हैं उनके सुरक्षा कवच आपको देने चाहिए, जैसे मान लीजिए हेलमेट की जरूरत है वो देने चाहिए, पैरों में लॉन्ग शूज की जरूरत है तो वो देने चाहिए, हाथों में ग्लोव्स की जरूरत है तो वो देने चाहिए, और अपने खुद भी वहाँ रहते हैं या अपना कर्मचारी रहता है तो उसकी सुरक्षा करना भी आपको ध्यान होना चाहिए। नहीं तो यदि आपने कहीं थोड़े से भी चूक कर दी तो समस्या आ सकती है और कोई एक्सीडेंट हो सकता है। छठी बात, ठेकेदार में ये गुण होना चाहिए कि किसी भी समस्या को सरलतापूर्वक हल करने के लिए एक रचनात्मक नजरिया होना चाहिए आपका। कुछ लोगों का नेगेटिव नजरिया होता है, कुछ लोगों का पॉजिटिव होता है, दोनों तरह के लोग होते हैं। तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं, रचनात्मक मतलब फंडामेंटली आपको उस बारे में ध्यान होना चाहिए, और यदि आप ये नजरिया रखते हैं तो आप सक्सेस होंगे। और यदि नजरिया आप नेगेटिव रखते हैं, फला काम करेंगे इसमें घाटा लग जाएगा, ये होगा वो होगा, तो इस तरह करते करते फिर वो ठेकेदार सक्सेस नहीं होता है। और सातवीं बात जो मैं बताना चाहूँगा कि हर काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने की लगन होनी चाहिए आदमी। कोई भी काम करने के लिए आपको पूरा जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, तभी आप ठेकेदार सक्सेस होंगे। नहीं तो आपने काम तो ले लिया, बस ठेकेदार जी काम ले लिया, अब 3 महीने तक ठेकेदार जी संभाल ही नहीं रहे काम को, लगन ही नहीं है आपको। तो जब तक आप में लगन नहीं होगी वो काम पूरा कैसे होगा। नहीं तो ठेकेदार को क्या है कि विद इन टाइम में काम करना होता है, और टाइम से यदि आपने 10 दिन का लेट कर दिया तो डिपार्टमेंट की मर्जी है, वो 10% आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, और ज़्यादा भी लगा सकते हैं या कम लगा सकते हैं। ये नेचर ऑफ वर्क डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सब बातों का यदि ध्यान रखते हैं आप तो एक अच्छे ठेकेदार बन सकते हैं, अच्छे ठेकेदार कह सकते हैं। मेरी चैनल एस एन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और प्रतिदिन सुबह 7 बजे एक वीडियो मेरा निश्चित रूप से 99% डेज अपलोड होता है। कभी कभार किन्हीं स्वास्थ्य कारणों के या अन्य किसी कारण के कारण मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं, तो शाम को दूसरा वीडियो जरूर 7 बजे अपलोड होता है।
इसलिए उन वीडियोस को देख करके, सुन करके, पढ़ करके आप अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारे जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो मेरे प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर बना रहा हूँ। मैंने स्वयं जो बिजनेस किया है, जिस पैसे से मैं आया हूँ, उसी पैसे के मेरे अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। आशा है मेरे अनुभव आपको अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर अपना व्यू दीजिएगा। और एक बात और कहूँगा, कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कोताही बरतते हैं, तो मैं कहूँगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बेटे आपके पास नोटिफिकेशन कैसे पहुँचेगा। और जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा तब तक आप जागरूक नहीं होंगे। और यदि डेली आपके पास एक नोटिफिकेशन जाता रहेगा तो आप देखोगे चलो दादाजी ने क्या लिखा है आज, क्या बोला है, हम सुनते हैं और सुनेंगे उसमें, तो कोई न कोई जब आदमी खोजता है तो कहीं न कहीं कोयलों में एक हीरा भी मिल जाता है। नमस्कार।